एक सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कार्बन स्टॉक जो आपका 4 PROV 1000 इनिशिएटिव बी से रिलेट करता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में याद रखना। और इंटरनेशनल इनिशिएटिव 4 PROV 1000 इसको लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा ऑन 1 December 2015 को COP 21, ठीक है, तो इसके द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 है, और ये कंसिस्ट करता है फेडरेशन ऑल वॉलंटरी स्टेक होल्डर जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, चाहे नेशनल गवर्नमेंट्स, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स और कंपनीज होती है, इन सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है साथ ही साथ, और जो रिसर्च फैसिलिटीज़ होती हैं एटसेट्रा, मतलब जितने भी प्रकार के, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, NGOs हो, रिसर्च फैसिलिटीज़ हो, वो सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि अच्छे तरीके से जो कार्बन स्टॉक को इसमें 4 PROV 1000 इनिशिएटिव को रखा जाए। इसका एम यही है कि इस इनिशिएटिव को कि डिमॉन्स्ट्रेशन करना अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर का, एंड पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर जो सॉइल्स हैं उनको अच्छे तरीके से कैसे अच्छे क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं उसको अच्छे से चेक आउट करना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लास्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ वन ऑफ द न्यू वर्ल्ड कि नीलगिरी लंगूर के ऊपर है, ठीक है, 3 फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ वन ऑफ द न्यू वर्ल्ड मंकी, सेकेंड है इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट इन साउथ इंडिया, एंड ऑप्शन 3 है कि दे आर आर्बोरियल एंड डायूरनल इन नेचर, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, मतलब 2 एंड 3, कि ये न्यू वर्ल्ड मंकी नहीं है, ये काफ़ी ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ठीक है, और ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया, वहाँ से ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये आर्बोरियल और जो डायूरनल नेचर होते हैं उन्हीं में होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए इसके बारे में, फिर इसको फिनिश करते हैं कि ये वेस्टर्न घाट में पर्टिकुलरली तौर पर नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं, और इसीलिए इनका नाम नीलगिरी मंकी रखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ये प्रेफर करते हैं रहना 980 से 6500 फीट ऊंचाई तक में सी लेवल से, टिपिकली सेटल करना एट अराउंड 4600 फीट, मतलब 1400 मीटर इनकी ऊंचाई, इतनी ऊपर ये सी लेवल से रहते हैं, ठीक है, ये इनका फेवरेबल जोन होता है जहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और अच्छे तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि, और ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट अच्छे तरीके से मिल जाए। चलिए, जितना स्कोर आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर 0 आया है तो एक बार रिवाइज कर जरूर कर लीजिएगा हाफ एन आवर के बाद, और जिसका स्कोर 6 के ऊपर आया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।